अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसुदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस, 9 तारीख आज सितंबर की, इज द 9th ऑफ सितंबर, फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल जो इसको ऑब्जर्व करते हैं. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम. आप जहां भी हैं, जिस भी टाइम जोन में हैं, आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? A whole lot of things. And the question that I've asked this morning is related to something that I feel ke bahut zaruri hai iske bare mein baat karna. Baat karna kya hota hai? Guftugu karna. Lafz ka istemal. Aur lafz ke baghair to kuch bhi nahi hai. Na hamare khayalat hai, na hamare jazbaat hai, na hamare kaam hai, na hamari learnings hai. Koi seekh hamari hai to wo bhi alfaz ke bina pe hai, kyunki hum kuch dekh bhi rahe hote hain, koi kar bhi raha hota hai. तो उससे भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन रही होती है, एक रिसीवर की तरह हम रिसीव कर रहे होते हैं चीज़ें. एंड वर्ड्स फॉर्म एवरीथिंग. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन इज, यू नो, देयर इज नो कंपैरिजन टू इट. लेकिन एज आई हैव सेड समटाइम्स बिफोर ऑल्सो, एक आध दफ़ा मैं पहले भी इस बारे में गुफ्तगू कर चुकी हूँ, दैट कॉन्वर्सेशंस करना इज समथिंग जो कि इतना इनकरेज नहीं किया जाता था हमारी सोसाइटी में. कल्चर तो मैं नहीं कहूँगी, हमारी सोसाइटी में, जबकि इतनी कहानियाँ और इतनी गुफ्तगू और इतना कुछ है जो इंसान एक दूसरे से सीख सकता है. सो कभी कभी बड़ों से भी बात करना कि कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो मुश्किल होता है या मुश्किल दरपेश होती है, और बच्चों से भी बात करना जो है वो मुश्किल होती है. समटाइम्स इट इज़ द टॉपिक इटसेल्फ, यानी कि मौजू जो होता है जिस पर गुफ्तगू आप करना चाह रहे होते हैं, वो एज डिफरेंस कह लें, जनरेशनल डिफरेंस कह लें, एहतराम कह लें, नहीं समझ रहे आते, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव फैमिलीज में नहीं समझा जाता ठीक है, उसके बारे में गुफ्तगू की जाए. लेकिन गुफ्तगू करने से ही आगे बेहतरी आती है, बिकॉज व्हेन यू एड्रेस समथिंग, किसी चीज़ को आप एड्रेस करते हैं, यानी टैकल करते हैं उस बार, उस चीज़ पर गौर व फिक्र करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, बहस मुबहसा होता है, तभी आगे जाके क्लैरिटी आती है ऑफ यू नो व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग, उनको मालूम क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यंगर जनरेशन के साथ, चूंकि दे आर अ वेरी डिफरेंट जनरेशन, यानी आज की जो नई नस्ल है उसमें छोटे बच्चों से लेके टीनेजर्स तक कर लीजिए, कौन सा ऐसा मौजू है जिसपे आप समझते हैं कि आपको दिक्कत पेश आती है बच्चों से आजकल गुफ्तगू करने में, और क्या वजह है कि आपको दिक्कत पेश आती है इस मौजू पे गुफ्तगू करने में? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, दैट सम कॉन्वर्सेशंस आर हार्ड टू हैव विद एडल्ट्स एंड मोर सो विद चिल्ड्रन. बड़ों के साथ तो मुश्किल होती है, बच्चों के साथ और भी ज्यादा मुश्किल होती है उन मौजूआत पे गुफ्तगू करना. व्हाट इज द टॉपिक दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन विद द यंगर जनरेशन और चिल्ड्रन, यानी ऐसा मौजू जो कि आपको बात करते हुए मुश्किल दरपेश होती है छोटे बच्चों के साथ या यंगर जनरेशन के साथ, और क्यों दिक्कत पेश आती है? समझ बूझ नजरिया कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना हसास टॉपिक है कि उसके बारे में यू नो गुफ्तगू करनी मुश्किल होती है. जरूरी नहीं है कि आपके अपने बच्चे हों या आप बाओलाद हों, यू डू इंटरैक्ट इन सम वे ऑर द अदर विद द यंगर जनरेशन, राइट? आपके अपने नहीं हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या हैं भी और नहीं हैं, आपके भांजे भतीजे, कजन्स, नेबर्स, स्कूल में, बाहर कहीं भी, इर्द गिर्द यू डू हैव द यंगर जनरेशन अराउंड. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. दिस सॉन्ग इज मेकिंग मी स्माइल इसलिए बिकॉज फलक शबीर की एक अपनी ही ऑडियंस है गानों की, मतलब उनकी जो मौसीकी है जो बनाते हैं, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ऑडियंस बढ़ गई है. एंड देन ही इज मैरिड टू सारा खान हु इज एन एक्टर. And I think they have a very, very nice relationship. And the way he takes care of not just Sara, value jis tarah karte hain unki. And now they have a daughter, mashallah, also. Aur Sara ki do aur behne hain, jisme se ek jo hai wo, she's also in the media industry.
सोशल मीडिया पे काफी पब्लिक है हाउ मच दे टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज बिकॉज कल मैंने एक वीडियो देखी दैट वो मजाक मजाक में ही गुफ्तगू ये हो रही थी लेकिन यू नो इट्स इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके टू जोक अबाउट योर स्पाउसेस मियां हो या बीवी हो. लोग समझते हैं कैसी चल रही है, बस चल रही है यार तुम्हारी भाभी बड़ी सख्त है. You know, these things, boys have these conversations. आप लोग समझते हैं कि ये ठीक होता है लेकिन ये ठीक नहीं होता बिल्कुल. जिस तरह अगर पीठ पीछे लड़कियां बहनें बैठ के या दोस्तें बैठ के अपने मियाओं की अगर बुराई कर रही होती हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है. बट कम होता है ऐसा जो देखा है और आप लोगों को भी पता है कि बैठ के अपने हस्बैंड्स के का मजाक उड़ा रहे हो. द वाइफ जोक्स आर अ लॉट मोर एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके. हम हल्के फुल्के सेंस में अगर कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जिसमें हमारी जिंदगी का जो सबसे अहम शख्स है उसको हम एज अ यू नो जोक बना रहे हैं, आप खुद रिफ्लेक्ट कीजिए इस जुमले को. बस जरा तरतीब दीजिए अपने अपने दिमाग में कि आपके आपकी जिंदगी का सबसे अहम शख्स इन द सेंस दैट हर एक के लिए डिफरेंट होता है और आपकी रिलेशनशिप शायद बहुत अच्छी हो शायद बिल्कुल भी अच्छी ना हो, तब भी आपके जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो गैर है. And that person is, in terms of relationship, less important than the person that you are married to. It's not okay. Absolutely not okay. तो कल मैं एक वीडियो देख किसी की स्टोरी शायद मैं देख रही थी उसमें था कि खुद बैठ के तो यू नो खींच रहे होते हैं टांग. You're not happy. You don't have to stay in that relationship. If you are happy, but there are certain things which are challenging, तो तब तो why are you sitting amongst other men and talking about a woman? Just think of it that way. There's so many things in the world जिनके बारे में गुफ्तगू की जा सकती है. Just एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी lightly touch कर लेती हूँ. What's happening around the world? Quite a few things. मीनारे पाकिस्तान पर दस्त दराजी का केस, 7 मुलजिमान के वारंट जारी कर दिए गए हैं जिसका मतलब है कि ये केस अभी तक कंसिडर किया जा रहा है, which is a good thing. वो अक्सर होता है कि कोई इस तरह के केसेस सामने आते हैं अगर कोई हरासमेंट होती है या कोई स्कैम होता है या फेक होता है या मिक्सचर होता है, बिकॉज इट वॉज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड. तो एटलीस्ट इसको परस्यू किया जा रहा है. सैलाब के बायस रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल, लाहौर कराची सखर और क्वेटा जाने वाली मुतअद्दद मुसाफिर फंस गए हैं. पिछले 3 हफ्ते से आई बिलीव ट्रेन्स नहीं चल रही हैं और सड़कों के जो हालात हैं आई बिलीव बसेस के ऊपर भी बहुत प्रेशर है बिकॉज एक तो बसेस डबल शायद चल रही हैं एंड देन बिकॉज आई नो समबडी जो कि अपनी हाउस हेल्प को वापस बुलवाना चाह रहे थे वो किसी अर्जेंसी में कराची गई हुई थी एंड वो बुला नहीं पा रहे हैं, ट्रेनें जो चल नहीं रही हैं और बसें जो हैं वो वापस जो यहाँ आई थी इस तरफ आई थी इस्लामाबाद और पंजाब की तरफ वो वापस नहीं गई हैं. पहले सड़कों के हालात ऐसे नहीं थे, अब बसों की शॉर्टेज. सो लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ इशूज. तो प्लीज अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है या आपके घर में ऐसा कोई शख्स है जिसको यू नो जो कह रहा है कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, तो दिस वन टाइम प्लीज डू बिलीव इट, बी अ लिटिल कंसिडरेट. एंड अगर आप उनको हवाई जहाज से बुलवा सकते हैं तो आप ऐसे देखे बुलवा लीजिए अगर आपको जरूरत है तो. सम कॉन्वर्सेशंस आर हार्ड टू हैव विद एडल्ट्स एंड मोर सो विद चिल्ड्रन. What is a topic you find difficult to have a discussion on with the younger generation and children and why is it difficult? मैं ये नहीं पूछ रही कि आपको younger generation बुरी अच्छी क्यों लगती है, ठीक है. तो एक जवाब ऐसा आया है अभी जिसमें आपको इख्तलाफ है अगर यू नो कि सोच से रवैयों से younger generation की, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आप इख्तलाफ रख सकते हैं. मैं पूछ रही हूँ आपको दिक्कत होती है, जिसका मतलब आप एक्सपीरियंस हैं, आप बड़े हैं या बड़ी हैं, तो आपको भी अगर दिक्कत हो रही है अपने तजुर्बे के बावजूद, एक्सपीरियंस के बावजूद, एक्सपोजर के बावजूद यंगर जनरेशन या बच्चों से बात करते हुए इस मौजू पे, तो वो कौन सा मौजू है और क्यों दिक्कत पेश आती है? इज इट बिकॉज इट्स अ कन्वेंशनल टॉपिक? इज इट बिकॉज यू नो देयर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट? इज इट बिकॉज ऐसी बातें कभी की नहीं गई खानदान में? जो भी वजह है और जो भी टॉपिक है जरूर बताइएगा. प्लीज हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. We're up for a commercial break. I'll be back shortly, stay tuned. All right, this is pretty shocking. 90 burned down, wahan aag lagi hai ya aag laga di gayi hai? I don't know what the situation is, but because this was the top hashtag, so I thought I'd have a look. This was late in the night ghaliban jo ke hua hai, kafi late in the night hua hai. Unka ghar jo hai
अब लोग हर तरह के इल्जाम लगा रहे हैं इस पे कि किसने जलाया और रेंजर्स क्या कर रहे हैं वहां पे, एटसेट्रा एटसेट्रा. अल्लाह ताला खैर आफियत रखे. मतलब एक तो कहीं भी आग नहीं लगनी चाहिए, दूसरा किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अदर देन दैट वन थिंग विच फ्रॉम लास्ट नाइट टू दिस मॉर्निंग, अगर कल रात आपने नहीं भी देखा पढ़ा या सुना होगा तो आज सुबह आपको मोस्ट प्रॉब्ली पता चल गया होगा, एंड दैट इज क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96. बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है उनके बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद मालूम भी हो, आप जाके गूगल पे देख भी सकते हैं. शी हैड अ वेरी लॉन्ग रेन, 96 की एज. उन्होंने रेन करना शुरू किया था 1956 में, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियां उठा ली थी एट अ वेरी यंग एज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान. एट द एज ऑफ 21 शी वॉज ओनली 21 साल की सिर्फ थी वो जब उन पर जिम्मेदारियां आयद कर दी गई थी या उन्होंने उठाना शुरू कर दी थी. व्हाट द सिस्टम वॉज एट दैट टाइम, शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग जॉर्ज द सिक्स्थ एंड क्वीन एलिजाबेथ. सो इन 1947 उन्होंने जो है शी मैरिड फिलिप माउंटबेटन, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई थिंक कहानियां हम देखते ही चले गए हैं. पर्सनल इख्तलाफात बहुत सारे लोगों को होंगे, बहुत सारे लोग बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देयर पेइंग देयर कंडोलेंसेस, व्हिच इज आल्सो अ गुड थिंग टू डू. पीपल से शी वाज नाइस एंड काइंड, जो भी मुलाकात करते थे यू नो जितने भी फेमस लोगों ने किया है उन्होंने उसी तरीके से लिखा है. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड व्हाट दे हैव डन cannot be put completely upon her. लेकिन हाँ, there's a lot of controversy about उनके reign के under so many countries which suffered so much. I just think that जब कोई चला जाता है दुनिया से तो उस वक्त उस लम्हे पे उन दिनों में जो है वो नहीं इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए. People are making jokes about Harry and Meghan कैसे आएंगे और you know वो उनकी शमूलियत जो है वो funeral में होगी, तो अजीब मीम्स बनाना लोगों ने रात को शुरू कर दिए. लुक, हुएवर शी वाज एंड व्हाटएवर शी वाज, अच्छा बुरा जो भी शख्स होता है, थोड़ा सा इंसान को खुदा का खौफ करना चाहिए कि उस ही लम्हे जिस वक्त किसी की वफात की खबर आए, कोई बदतरीन शख्स भी हो या कोई बेहतरीन शख्स भी हो, उसके घर वाले उसके इर्द गिर्द जो उसके प्यारे हैं उनका नजरिया डिफरेंट होता है. सो थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए. यू डोंट हैव टू पर्सनली लाइक और डिसलाइक समबडी, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि यू नो जो चीजें हुई उनके रेन के अंडर उन पे पर्दा डाल दिया जाए, बिकॉज पर्दा डाला नहीं जा सकता. हिस्ट्री इज व्हाट इट इज एंड इट्स ऑल आउट देयर. बट एनीहाउ, सो शी पास्ड एट द एज ऑफ 96. चार्ल्स नाउ बिकम्स किंग. दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. आई थिंक उनकी उम्र भी शायद 75 साल के करीब शायद है. सो मे शी रेस्ट इन पीस. एंड आए देखेंगे स्टेट फ्यूनरल किस तरह का होता है. एक डायना का फ्यूनरल था जो हमने देखा था, एंड आई थिंक पूरी दुनिया ने ही देखा था. And let's see what the Queen's funeral is like. Anyhow, other than that, what's happening around the world? सवाल आज का दोहराए देते हूँ. ऐसा कौन सा मौजू है जो कि आज की यंगर जनरेशन से गुफ्तगू करने में आपको दिक्कत पेश आती है, डिफिकल्टी आपको पेश आती है, जिस भी वजह से, क्योंकि मौजू ही ऐसा है, हसास है, आपका नजरिया डिफरेंट है, उनका नजरिया डिफरेंट है, कभी बात ही नहीं की इस चीज के बारे में, माहौल ऐसा नहीं है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. उस यंगर जनरेशन के ऊपर मत मुसल्लत सिर्फ कीजिएगा कि उनका कसूर, उनसे बात करना इम्पॉसिबल है. मौजू कौन सा मुश्किल है बात करने के लिए, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मैं यंगर जनरेशन कह रही हूँ तो छोटी उम्र के बच्चों से लेके टीनेज तक, यानी समझिए 5 साल के से लेके 16 साल की उम्र तक के बच्चों के दरमियान बच्चों का एक्सपोजर हर चीज को है ऑलमोस्ट, बहुत यंग एज से है. दे आर ग्रोइंग अप इन एन एनवायरमेंट जहाँ एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर, यू नो, एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ एन एफर्ट टू कीप देम कम्प्लीटली अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज, ऑल द केओस, ऑल द मैडनेस अराउंड अस, अपने घरों में एंड इर्द-गिर्द, वेदर विद इन आवर कंट्री और आउटसाइड, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज हम भी बड़े लाउड हो गए हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कौन सा ऐसा मौजू है, आई लव टू नो व्हाट योर आंसर्स आर. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक आध हेडलाइंस मैंने शेयर की थी. स्टेडियम हंगामा आ रहा है, पीसीबी का मुतालिका हुकाम के सामने मामला उठाने का फैसला, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बिकॉज हमारे कुछ फैंस को भी जो है वो चोटें पहुंच जाएंगी. नॉट जस्ट के सामान को अफगान स्पेक्टेटर्स ने नुकसान पहुंचाया, बट फड्डा हो गया जिसको कहते हैं, लड़ाई हो गई, एंड हमारे कुछ फैंस को भी नुकसान पहुंचाया गया, विच इज
यू नो जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी गुस्सा हो, किसने शुरू किया, किसने खत्म किया. कल आपने देख भी लिया होगा, आई बिलीव 25% मैच फी जो है वो फाइन की जाएगी टू बोथ प्लेयर्स जिनके दरमियान तनाव हुआ था, आई बिलीव फरीद एंड आसिफ अली. मामला उसके बाद अगर साइड पे रख दिया जाता है और तहम्मुल से यू नो आगे आने वाले वक्तों में कभी नहीं होता तो फेयर एनफ. वी आर फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. What is this majra, bhai? Wazir Itlaat Maryam Aurangzeb ne kabina ki janib se mutasireen ne salab ki imdadi ashya par tax istisna dene ke faisle ki tafseel jari kar di hai. Unhone bataya ki Wazir Azam Shehbaz Sharif ki hidayat par kabina ne 30 agast 2022 ko tax istisna ki manzoori de di hai. Unka kehna tha ki mutasireen salab ke liye machhardaniyon, kashtiyon samet tamam ashya par tax chhoot hogi. I thought this was an understood fact, but chale acha agar black and white mein डाला जा रहा है ये तो. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, मुलाकात होगी अब 10 बजे के बाद. सवाल दोहराए देती हूँ, ऐसे कौन से मौजू हैं जो कि यंगर जनरेशन, बच्चों से लेके टीनेज की जो उम्र होती है, क्या इसको कहते हैं नौ उम्री कहते हैं इसको, 5 साल की उम्र से समझे 16-17 साल की उम्र तक के बच्चों से कौन से ऐसे मौजू हैं जो आपको दिक्कत पेश आती है उनसे बात करने में, आपको दिक्कत पेश आती है. हम ये नहीं कह रहे उनको समझ नहीं आती, आपको दिक्कत पेश आती है बात करने में, क्यों दिक्कत पेश आती है इस मौजू पे ये भी बताइएगा, और कौन सा मौजू है ये भी बताइएगा. हैशटैग प्लीज कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमी के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक एट द टॉप ट्रेंड ऑन ट्विटर जो के चेंज होके अब इज लंडन ब्रिज इज डाउन. इसको आई थिंक मेटाफोरिकली भी लिया जा सकता है and शायद वाकई में उन्होंने बंद कर दिया for today out of respect, I don't know. As I said, top of the hour का वक्त होने वाला है, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. I look forward to lots of जवाबात and sharing lots more things with you. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Welcome back, दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी के 107.4. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. इफ यू जस्ट ट्यून इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. और अगर आप सुबह 9 बजे से मेरे साथ हैं तो थोड़ी मेहरबानी. सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन सवाल दोहराई देती हूँ आज का पहले. कौन से ऐसे मौजू हैं जिन पे छोटे बच्चों से या यंगर जनरेशन जो नौजवान होते हैं उनसे गुफ्तगू करना मुश्किल होती है, वो मौजू ऐसा कौन सा है जिसपे गुफ्तगू करना मुश्किल होती है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट टॉक अबाउट वो नहीं सुनते, क्या वो ऐसे हैं या आई एम टॉकिंग अबाउट मौजू कौन सा मुश्किल है, आपको मुश्किल दरपेश होती है और क्यों ये मौजू आपको डिफिकल्ट लगता है, इसके बारे में बात करना. उनका रवैया इज अ रिएक्शनरी और इज अ बाय प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ सॉर्ट ऑफ लाइक अ बाय प्रोडक्ट. लेकिन वो वजह जो आपकी वजह है कि आपको इस पर्टिकुलर मौजू पे, इस मखसूस मौजू पे गुफ्तगू करना मुश्किल होती है, दिक्कत पेश आती है, वो क्या है. सो सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं एंड वन थिंग दैट आई लाइक यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज. आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादातर पाकिस्तानी खानदान में या साउथ एशियन खानदानों में कुछ लोग स्पेसिफिकली करते हैं, यानी कि अपनी उम्र, अपने रुतबे के मुताबिक जो है वो जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो घर में होगा उससे गुफ्तगू की जाएगी और बड़े फैसले जो हैं वो बड़ों से ही किए जाते हैं. मैं अपना हुक बंद कर रही हूँ शर्ट का. उसमें वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई ताया भी हो सकते हैं, कुड बी एनीबॉडी एट ऑल. ज्यादातर खानदानों में ये होता है, राइट. सो the concept of, because अब दुनिया इतनी बदल गई है और वही हम बार बार बात करते हैं कि जनरेशनल डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज ये पैदा ही टेक्नोलॉजी के दौर में ये बच्चे हो रहे हैं तो इनके तौर तरीके डिफरेंट है. हम एक चीज़ तो हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि ये हमारा प्रोडक्ट है ना, नेक्स्ट जनरेशन. ये जो जिस माहौल में बड़े हैं वो माहौल वो पैदा होते ही वो तो नहीं क्रिएट कर रहे ना, हमने उनके लिए माहौल क्रिएट किया. हर दफा अपने आप को ये याद दिलाया करें कि हमने ये माहौल, अच्छा बुरा, एक्सपोजर, बात करना, जवाब देना, वोकल होना, हर चीज को यू नो क्वेश्चन करना, ये इनमें क्यों आया है. उनकी सीख और अवेयरनेस ऑफ चीजें कि अच्छा ये हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे तो हमें करने की जरूरत है, ये तो एक सर्टन उम्र के बाद आती है. लेकिन जिस माहौल में वो बड़े होना शुरू होते हैं वो हमने उनके लिए क्रिएट किए, तो हमें क्यों लगता है फिर कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ये समझिए. दूसरी चीज ये सक्सेशन प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ. घरों में निजाम थोड़ा बहुत चेंज अब हो भी गया है,
लेकिन घरों से इतना कुछ इंसान सीख सकता है. बहुत काफी महीनों पहले मैंने एक बात की थी कि वालदाओं से सबसे बेहतरीन हम असबाक सीख सकते हैं निगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के. क्यों? क्योंकि जो ख्वातीन घर में, यानी उन्होंने बाहर निकल के कभी काम ना भी किया, उनको घर का निज़ाम संभालना, तौर तरीके, मेहमान नवाजी, घर में जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करना, रिश्तेदारों को किस तरह बैलेंस में रखना है, हर शादी ब्याह और मौके के लिहाज से जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, दुकानदार के पास जाएं तो उनको पता है कि किस कीमत में क्या चीज़ मिल सकती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उनका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अल्लाह ताला ने उनके अंदर बनाई होती है, बनाया होता है ये सिस्टम. सो ये बैकग्राउंड क्यों मैं दे रही हूँ कि जब वालदैन या बड़े जो घर में होते हैं वो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देख चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, उन्होंने कहीं बाहर निकल के नौकरी की हो या ना की हो, ज़मींदारी की हो, घर में बैठ के कमाया हो, जो भी उनका निज़ाम है, उनसे सक्सेशन प्लानिंग सीखना बड़ा ज़रूरी है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना घर से बहुत ज़रूरी है. कैसे? सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? सक्सेशन प्लानिंग होती है आपके दफातर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, जब आप जिस भी ओहदे पे आपको नौकरी मिली हो, आप जिस भी ओहदे पे काम कर रहे हो, आपसे जो या छोटी उम्र के भी कभी होते भी हैं कभी नहीं भी होते हैं, आपके बाद जो काम कर रहे हैं, आपकी टीम में जो लोग मौजूद हैं, उनको आप तैयार करें अपनी पोजिशन के लिए. ठीक है? एक टाइम था जब सक्सेशन प्लानिंग डिलिबरेटली कभी की ही नहीं जाती थी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट एक फियर, एक खौफ रहता था लोगों को कि मैं मैनेजर हूँ, ये मैनेजर बन जाएगा. जबकि खासतौर पर जब किसी की काबिलियत अगर समझ आती है तो उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ एक इनसिक्योर फीलिंग जो होती थी, जो कि अभी भी हम देखते हैं काफ़ी सारे सरकारी इदारों में, ये हमें देखने को मिलता है. शायद वक्त के साथ साथ चेंज हो भी गया हो, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पहले कम था, अब इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजीज इन गुड कंपनीज. अच्छे इदारों में ये एक बाकायदा एक प्रैक्टिस होती है, की जाती है, कि तैयार किया जाता है अगले ओहदे के लिए. अगले ओहदे का मतलब होता है कि आप उसको उस एक सर्टन दौरानिए के बाद ऐसी जिम्मेदारियां देना शुरू करें जो कि जैसे वो अगर जब उसकी प्रमोशन होगी तो जैसे तब वो काम करने की सलाहियत अपनी साबित कर सकता है, वो पहले से जो है उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, शामिल हो, उसकी शिरकत हो, ताकि वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सके. तो घर में सक्सेशन प्लानिंग करने की ज़रूरत है. अपने बच्चों को, अपनी यंगर जनरेशन को आप कहते हैं कि अगर खास तौर पे अगर शिकायत हैं, हम बहुत आसानियां जाते हैं अपने बच्चों के लिए. तो अब गुफ्तगू मैं कर रही थी किसी से उस दिन कि उन्होंने कहा कि मेरा बहुत ही छोटा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो कुछ भी किसी चीज़ को भी नहीं हाथ लगाता ना. तो मैंने कहा साथ साथ प्लान करने, साथ साथ इस चीज़ को भी बैलेंस करने की आप कोशिश करो कि वो जेंडर के बेसिस पे ये ना हो. जब आप उसको जिम्मेदारी दोगे काम के सेंस में नहीं, तो उससे भी एक बिनो लोग भागने लगते हैं, इस सेंस में कि आपको ये कल संभालना है, आपके लिए आसानी होगी, आप इस काबिल हो. सो इसमें दो फायदे होते हैं सक्सेशन प्लानिंग में. लाइक टुडे इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ बिल्स एंड फाइनेंसेस, तो अपने यंगस्टर्स को, अगर आपके बच्चे 12, 13, 14 साल की उम्र के हैं, आप अगर समझते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना इन चीजों से एक्सपोज करके, ताकि वो सिर्फ तालीम पे यू नो अपना फोकस रखें, आप गलत कर रहे हैं. क्योंकि हमें एक्सपोजर इन चीज़ों का इतनी यंग एज में नहीं मिला था, हमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया था. कुछ लोगों की कहानियाँ शायद डिफरेंट हो, बट ज़्यादातर हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था क्योंकि बड़े चीज़ों को देखते हैं. वो काफ़ी लेट जाके खुद, मैं तो ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में, आई वाज लाइक टेल मी, आई नीड टू नो, यू नो, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में अम्मी अबू ने प्रोटेक्ट करके रखा. एंड देन व्हेन आई टॉक टू पीपल माई एज, आई रियलाइज कि काफ़ी सारे ऐसे घरानों में होता है. तो फाइनेंस एक एग्जांपल है. सो सक्सेशन प्लानिंग घर से जब शुरू होगी तो एक तो आदत बन जाएगी, आपकी पर्सनालिटी, आपके किरदार, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये का हिस्सा बन जाएगी. और दफातर में ये चीज जिन लोगों को नहीं मालूम कि किस तरह की जाती है, जब घर में आपको ऐसा माहौल मिलेगा तो आपके लिए करना वहां आसान होगा. टू लेट गो, इसमें कोई फियर फैक्टर नहीं है. आगे जो आपको जहां जाना होगा वो आप जाएंगे. इस बात में कहां तवक्कल और फेथ चला जाता है, जो हम कहते हैं ना कि यू नो लोग एडवांटेज ले लेते, सब कुछ सिखा दो, फिर वो क्या कहते हैं, पीठ पीछे जो है वो हरकतें करते हैं, हमारा मौका ले लेते हैं, हमारी बारी ले लेते हैं. जो लिखा है वो कोई छीने छाने चिपटे जो करे,
गलत नीयत उसकी हो, आपको आपके लिए जो लिखा हो आपको मिलेगा, या आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए. और आपकी एक आला जरफी है, ये फर्ज भी है और आला जरफी है. दुनिया में इसलिए थोड़ी आए सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास बिटोर के रखे. सारे गुण भी इकट्ठे नहीं बताने की जरूरत होती, लेकिन प्रिपेयर करने की जरूरत है. सो डू इट एट होम इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सक्सेशन प्लानिंग इन ऑफिस बट नॉट एट होम. उल्टा भी बात कर लेते हैं कि अगर आप घर में आपने नहीं देखा लेकिन दफ्तर में करते रहे हैं, तो दफ्तर में अगर करते रहे तो घर में क्यों नहीं कर सकते? और अगर घर में आपका निजाम डिवाइडेड है कि सब मिलजुल के मिल बांट के करते हैं, तो फिर आप दफ्तर में क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा रहे हैं? सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग पीपल वे बिफोर टाइम, ताकि जिंदगी आसान हो यार एक दूसरे की. ये दुनिया कोलैबोरेशन की, मिलजुल के काम करने की, कोऑर्डिनेट करके करने की और मुत्तहिद होके जीने की है. ये वो दुनिया है. ऑलरेडी इतनी नफरतें, इतने डिफरेंसेस, इतने मसले मसाइल हैं कि ये अब मेंटालिटी और अप्रोच अगर इस दौर में नहीं अपनाई जाएगी तो जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा. इस तरह की हेडलाइंस पढ़ के ना, ऐसा की खबरें देख के आई एम लाइक अच्छा आगे बात करें ना. फ्लड लॉसेस की एस्टिमेट करवाई गई, जो की गई है अभी तक, इससे भी बढ़ सकती है. 2010 के फ्लड में 10 बिलियन था, अभी 20 बिलियन एस्टिमेशन है. 20 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है कि नुकसान हुआ है. भाई लोगों का तो आप पहले कुछ करें ना, मतलब लोगों तक तो पहुंचे हैं आप इमदाद को छोड़े. लोग अभी तक लोग रेस्क्यू नहीं हो रहे, लोग भूखे जो है वो मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं. आपके नंबर ऑफ केसेस पता ही नहीं चल रहे हैं. और जहां पे अगर इमदाद एक दफा पहुंचा दी गई, आप क्या समझ रहे हैं एक राशन का जो डिपॉजिट होता है वो कितना अरसा चलेगा फैमिली ऑफ 5 या 10 को? 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक वक्त सिर्फ वो खाना खाएं और बस बैठे रहे खामोशी से टूटे हुए टेंटों में, चारपाइयों में, बहते हुए गंदे पानी के पास. डेंगी इतना फैला हुआ है, कॉलरा इतना फैला हुआ है, HIV कह रहे हैं फैला हुआ है. डेंगी वैसे ही हर साल जो है वो इतना कबाड़ा करता है. फ्लड स्ट्रिकन सिचुएशन जगहों पे आप देखें कितना मसला होगा. साउथ पंजाब और सिंध में आप इवन बलोचिस्तान, KPK में आई एम नॉट रियली श्योर कि डेंगी के क्या हालात हैं, बट सिंध में तो हर साल ही जो है वो इतना मुश्किल होता है. पिछले साल मुझे याद है, अगेन थैंक्स टू द DCR, पुराने DC बड़े याद आते हैं, इस्लामाबाद के पूरे इस्लामाबाद में स्प्रे होना शुरू हो गया था. स्ट्रीट टू स्ट्रीट स्प्रे हो रहा था एक हफ्ते तक, 10 दिन तक हमने देखा था. हर ऑल्टरनेट डे पे शायद ये होता था, स्प्रे करते हुए वो जाते थे. जरूरी है भाई. कल अम्मी जो है मेरी, शी इज नॉट इन द कंट्री राइट नाउ, तो वो उन्होंने मुझे एक फॉरवर्ड किया क्या कहते हैं वीडियो में, कहा ये क्या है? अम्मी कहती हैं कि एक सर्विस है, इनको पता करवा लो या कि स्प्रे कर देते हैं बिकॉज डेंगू इतना फैला हुआ है. यू नो, बिकॉज खुद ही इंसान को अपना ख्याल रखना पड़ेगा. तो 20 बिलियन डॉलर्स लॉस्ट वर्थ ऑफ लॉसेज जो अगर कह रहे हैं. अच्छा, तस्वीर जो लगाई हुई है इस अखबार में, उसमें दो खवातीन, एक बच्ची बैठी हुई है एक चारपाई के ऊपर, ऊपर टेंट है और नीचे कम से कम कोई 1 फुट 2 फुट पानी है. 1 फुट तो होगा. ऐसा टेंट प्रोवाइड किया गया है इनको. सूखे लैंड तक हम इतने बगैरत हो गए हैं कि सूखे सूखी जमीन तक जो है वो पहुंचा नहीं सकते हैं लोगों को. हमारे पास सारे टैंक, ट्रक, जहाज, हर चीज जो है वो मतलब क्या कर रही है, सो रही है, हाइबरनेशन में चले. गुस्सा आता है यार, बस कर दे ना, एक हद होती है, हद. और मैं अब हर दफा कहती हूँ, जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, कुछ हद तक कुछ काम, मैं किसी बायस के साथ ये नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहा है उससे अंदाजा हो रहा है, ये नहीं कह रही हूँ कि काफी है, लेकिन KP में कम से कम कुछ हद तक देखने को मिल रहा है कि अच्छा लोग मिलके कर रहे हैं, NGOs मिलके कर रहे हैं, एंड KP गवर्नमेंट जो है वो लोगों को चीजें पहुंचा रही है मिलके विद द NGOs एंड द लोकल्स ओवर देयर. उनको भी उससे बहुत ज्यादा और करने की जरूरत है. बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं करने की जरूरत है. साउथ पंजाब में कुछ काम होना शुरू हुआ है. सिंध और बलूचिस्तान में तो लोग महीने से जो है वो, आप खुद देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच के इंटरव्यू कर करके वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया, ऊपर से उन्होंने पैकेट फेंक दिया, कहा आके देके जाएंगे. सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है सिंध और बलूचिस्तान से. तो अगर UN के जनरल सेक्रेटरी आ भी गए हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री क्या समझती है? हम गधे हैं सारे के सारे, के हमें कुछ नहीं समझ आती है. वो आ गए, वो आके जायजा लेंगे. एक महीने से जो इमदाद आई हुई है, इतने ममालिक से इमदाद ऑलरेडी आ चुकी, कितने है घरों में पड़ी हुई है, क्या कर रहे हैं उसके अंडे बच्चे दे रहे हैं उस रिलीफ के साथ? व्हाट आर यू डूइंग विद इट? हर दूसरे दिन सुनने को मिल रहा है कि जी सिंध पुलिस जो है वो ब्राइब कर रही है, रिश्वत मांगती है, ट्रक को आगे जाने नहीं देती है. खुदा का खौफ करें यार, लोग आपकी आंखों के सामने मर रहे हैं और आप रिश्वत ले रहे हैं.
कोई खौफ नहीं है आपको, कोई खौफ नहीं है, लाइक जीरो खौफ है. या कोई ईमान, कोई नमाज, कोई चले रिलीजन को नहीं भी लग, किसी कोई तो किसी चीज में तो आप बिलीव करते होंगे ना. आई एम नॉट टॉकिंग एवरीबडी इज नॉट अ मुस्लिम, बट आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप जो भी, कहीं कोई तो आपका फेथ सिस्टम होगा ना. व्हाट इज दिस, इट्स जस्ट रिडिकुलस. और फिर हम ऐसे लोगों को जो है वो हमने इजाजत दी है, वही हम बर्दाश्त कर रहे थे और हमने कहा बस क्या करें जी, बस क्या करें, अब देखें क्या हो रहा है मुल्क के साथ. ये हमारे ही लोग हैं, हमारे घर का ऐसा नहीं है तो हमारे ही नहीं है यार. बड़ी बात होती है पेट्रियटिज्म की, पाकिस्तानियत की, दिल टूटता है हम. सो एंटोनियो गुतरेस इज हियर, ही इज द जनरल सेक्रेटरी टू यूएन. वो आके जायजा लेंगे, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करेंगे. क्या होगा फिर उस इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील का, जो अभी ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्लेजिंग नहीं, सामान आ चुका है, चाइना से भी आ चुका है, बिलीव यूके और कनाडा से भी आना शुरू हो गया है. लोगों ने इतना डोनेट किया है, खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि यू नो दे सेपरेटेड फंड्स ऑल्सो. व्हाट द क्रैप आर दे डूइंग विद दिस, सीरियसली, जहेज में लेके जाना है ये राशन. अभी तक इवेल्युएशन हो रही है कि कितनी मच्छरदानियों की जरूरत होगी. और ना कराएं सेंसर्स टाइम पे, जिस सारी गवर्नमेंट्स को मैं इस पे का कसूरवार ठहराती हूँ. एनीहाउ, आज के गुस्सा है यार, गुस्सा आना भी चाहिए. अगर आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है ये देख देख के, और अगर आप अभी तक नहीं बात कर रहे हैं, बीच में चले क्रिकेट आ गया, बीच में चले विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, चले उसने अनुष्का शर्मा को यू नो प्यार से कुछ कह दिया, चलो नसीम शाह को उर्वशी ने यू नो अपनी स्टोरी में नसीम शाह की वीडियो डाल दी, ठीक है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, दिल बहलाने के लिए जरूरी भी हैं. वापस आए रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे. अगर आपके सर पे एक छत है अभी, आप नौकरी से यू नो आप आमदनी ले रहे हैं, आपके घर में जो भी मसले मसाइल है, लेकिन आपका घर का निजाम चल रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे किसी ना किसी तरीके से सैलाब जदगान की ये दुआ, मदद, रिलीफ, इंफॉर्मेशन, यू नो हेल्पिंग, इनकरेजिंग पीपल टू डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम भी उतने ही बुरे हैं जितने बाकी सब लोग हैं. आपके सवाल आते, आपके सवाल आते हैं, मेरा सवाल, मेरे सवाल आते होते हैं, मेरा सवाल और आपके जवाब शामिल करती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. व्हाट ए सॉन्ग इट इज, राइट? दैट वाज परफेक्ट बाय एड शीरन. एड शीरन के ज्यादातर गाने बहुत अच्छे हैं. एड शीरन की आवाज भी बहुत मुख्तलिफ है, खुद भी बहुत मुख्तलिफ है. आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ सो मेनी सेलिब्रिटीज जो बाद में बताते हैं कि लोग जब उनको कह देते थे ना कि तुम तो ऐसे हो या तुम तो ऐसी हो, तुम तो कभी कुछ बन नहीं सकते हो, बिकॉज लोगों को पहले से अंदाजा हो जाता है कि कौन एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो इतना डर जाते हैं लोग कि उसको अपनी सारी एनर्जी खुद अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय सारी एनर्जी डाल देते हैं उस शख्स को बुली करने में. आप लेडी गागा की कहानी भी सुन लीजिए, उन्होंने भी यही सुना था, एचरान ने भी यही सुना था, शक्ल और जिस्म पे, और कुछ नहीं तो शक्ल जिस्म जात इस चीज पे अटैक कर देते हैं. उसको केट विंसलेट की कहानी, उनके ड्रामा टीचर ने उनको कहा था दैट मे बी यू माइट एंड अप विद सम पार्ट्स ऑफ द चबी एक्ट्रेस. आप किसी के जिस्म पे, किसी की शक्ल पे बात करने से पहले जमीन खोद के खुद अंदर घुस क्यों नहीं जाते? ऐसे लोग दुनिया भर में होते हैं. अमेजिंग थिंग इज दैट, अमेजिंग चीज ये नहीं होती कि हम कहते हैं ना यार देखो उसने उस नेगेटिविटी को लेके ना और पॉजिटिव बनाकर देखो दुनिया में क्या हासिल कर लिया. जितना टूटते हैं ना ऐसे लोग अंदर से, इतना टूट जाते हैं ऐसे लोग जिनको ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं. मैं एक जीती जागती मिसाल हूं इस चीज की, ऑफ हाउ पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन. और कुछ ना मिले तो शक्ल पे आ जाते हैं, जात पे आ जाते हैं, किरदार कशी कर देते हैं आपकी. एनीहाउ, सो इट इज नॉट ओके, बट व्हाट इज ब्यूटीफुल इज दैट चूंकि लिखा होता है जिंदगी में उनका ग्रेट होना, ऐसे लोगों का या बहुत कुछ अमेजिंग काम करना, जितना खींचना है वो खींचते रहे, लोग करते रहे करते रहे करते रहे. एक जात है जो सब देख रही होती है. हम चूंकि हर लम्हा ये भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि हम पीठ में किसी के चूरा खोम देंगे या बुरा कर देंगे या उसको बुली कर देंगे या उसको डिसहार्टन कर देंगे, उसको डिप्रेशन का शिकार यू नो बना देंगे, तो हम जीत जाएंगे, वो हार जाएगा. जिसने जीतना होता है वो जीतता इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा होता है उसका जीतना. आप कौन और मैं कौन? Anyhow, coming back to your जवाब, आज के सवाल के हवाले से आज़म खान कहते हैं, ट्रस्ट मी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स विद ग्रोन अप्स टू टॉक इज
sacred beliefs and what is religion and what is geographical trend. No one knows the basic of belief and always stick to the practice which has been following regardless of right or wrong. यानी के geographically किसी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी lineage में, यानी आपका जो क्या कहते हैं, नस्ल होती है, नस्ल दर नस्ल किसी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लोग एक ही बात को, एक ही सोच को, एक ही तरीके से किसी भी मजहबी पहलू को समझते और कबूल करते रहते हैं और बस बता दिया जाता है बस ये ठीक है, ये करो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो दोज़ख में जाओगे, मतलब हराम है हलाल है और बस इस पे मिसाल दे रही हूँ मैं लिटरली. देयर इज नो कन्वर्सेशन, देयर इज नो डिबेट. कैसे तुमने सवाल पूछ लिया, मतलब अल्लाह ताला ने ही तो इजाजत दी है कि सवाल पूछा जाए, अल्लाह ताला से पूछा जाए सवाल. अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो अल्लाह ताला ही जवाब देते, तो हम इंसान किस मुंह से हम कह देते हैं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए. एनीहाउ, सो यह मुश्किल होता है. आप कह रहे हैं बड़ों की, सवाल वैसे था कि बच्चों से रिलेटेड, यंगर जनरेशन से किस मौजू के बारे में डिफिकल्ट होता है, बट आई गेस रिलीजन से रिलेटेड शायद मुश्किल होता होगा बिकॉज हम वो बीच की जनरेशन है जो कि हमारे बड़ों ने, सब ने नहीं लेकिन काफी हद तक काफी सारों के बड़ों ने यही बताया बस यही सही है और यही सही नहीं है. तो हम उससे चूंकि निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी यंगर जनरेशन बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की है, तो शायद रिलीजन से रिलेटेड उनसे भी बात करना मुश्किल होती होगी. मुसरत मुस्कान कहती है मुश्किल है रियलाइज करवाना उनको कि उनकी हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है फोन से, राइट, और डिसिप्लिन बहुत था हम में ऑफ पेइंग अटेंशन टू थिंग्स विच मैटर्ड अराउंड अस. माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, हर चीज का ख्याल रखना, तो उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती. कोई नाराज है तो ठीक है लेकिन हम नहीं कर सकते ये, तो उनको ये समझाना मुश्किल होता है. मुसरत कह रही, तो मुसरत ये फिर हमारा कसूर है. मैंने कहा ना कि ये हमारा कसूर है क्योंकि हमने उनको ये माहौल दिया है. क्या बच्चा माँ की पेट से पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है आज से मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और मुझे सिर्फ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है? नहीं ना. किसने वो माहौल दिया? हमने वो माहौल दिया है. तो उनसे कोई भी गुफ्तगू करने में अगर दिक्कत पेश आ रही है और वो सुन नहीं रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं. जब तक वो बच्चा 16-17 साल की उम्र का नहीं है, हम जिम्मेदार हैं. उसके बाद उसकी कॉग्निटिव लर्निंग, उसकी बिहेवियरल ट्रेट्स ज्यादा डिफाइन, इस हद तक डिफाइन हो चुके होते हैं कि उसको हम जिम्मेदार कुछ हद तक ठहराना शुरू कर सकते हैं. रहमान खिलजी कहते हैं व्हेन चिल्ड्रन आस्क वेयर वर दे इन आर वेडिंग एंड देन गेट अपसेट फॉर नॉट बीइंग इनवाइटेड. अल्लाह सबके, कितना कोई ये क्यूट जवाब है. अभी भी होता है ये, क्या हम कहाँ थे आपके अम्मी अबू हम आपकी शादी पे कहाँ थे? आई डोंट नो, बच्चे भी ऐसा सवाल पूछते हैं और हाँ फिर हमें नहीं समझ आता कि हम क्या कहें. दूसरा आप कह रहे हैं सीरियस नोट पे फ्रीडम चॉइसेस ओपननेस ऑफ सेक्सुअलिटी इज अ बिट हार्ड टू एक्सप्लेन. और जो LGBTWTH इन पर्टिकुलर, सो जेंडर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है. यानी कि अगर मैं इसमें रिलीजन को नहीं इन्वॉल्व करूंगी, यू नो, बिकॉज द ऑडियंस इज वेरी वास्ट, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है LGBTQI, आई थिंक तक पहुंच चुका है. यानी मुख्तलिफ कस्म की एक्सेप्टेंस मुख्तलिफ जेंडर्स की. अब हम डायरेक्ट सीधा सीधा अगर इसको रिलीजन को यानी मजहब को इसमें ले आते हैं तो कहते हैं ये सब नहीं है और होना ही नहीं चाहिए, राइट, ये कॉन्सेप्ट है. लेकिन कुछ लोग बिल्कुल, जितने हम स्टॉन्च तरीके से, फर्म तरीके से कहते हैं ये बिल्कुल नहीं कबूल है, उसी तरह जो लोग नहीं कबूल करते हैं वो कहते हैं वो ये बिल्कुल कबूल है, राइट. एंड वी कैनॉट गेट इन टू दैट राइट नाउ ऑन एयर विद सच शॉर्ट टाइम. लेकिन यस, ऐसी गुफ्तगू करना बिल्कुल मुश्किल होता है क्योंकि वो ऐसे माहौल में अगेन बड़े हो रहे हैं. अगेन हमारी एज के ना सही लेकिन हमारी ही जनरेशन के लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ओपन किया है. अब हम ये डिबेट कर सकते हैं क्रिएट किया है, प्रमोट किया है, एग्जिस्ट करता था, अब नुमाया ज्यादा हो गया, जो भी, लेकिन हमारी जनरेशन नहीं किया है. और हमसे बिल्कुल बाद की जो जनरेशन है उन्होंने किया है यंगस्टर्स के लिए. तो वो यंगस्टर्स बड़े ही उस माहौल में हुए हैं जहां इस चीज को अंडर द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एक्सेप्टेंस एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कबूल कर लिया जाता है. हमारा जमीर, मजहब, दिमाग, दिल कुछ नहीं इन चीजों को एक्सेप्ट करता है. बहुत सारे लोग शायद कहें हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन रिस्पेक्ट करने में, एक्सेप्ट करने में दो फर्क होते हैं. रिस्पेक्ट आप करते हैं उस शख्स की क्योंकि वो शख्स पहले एक शख्स है, उसके बाद उसकी वैल्यूज और क्वालिटीज और थॉट प्रोसेस है. तो यू कैन जस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट, अच्छा आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि ये एक इंसान एक मुख्तलिफ राय रखता है. यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग उसकी वो राय,
यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द शख्स, आर यू एक्सेप्टिंग इट? नो. तो हम नहीं एक्सेप्ट करते, मैं भी नहीं करती हूँ इस बात को. मेरा अपना पर्सनल वैल्यू सिस्टम इसको नहीं एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट एज इन के अपने लिए, अपनाने के लिए, नॉट के एक्सेप्ट करता कि ये है, इट इज देयर आउट देयर इन द वर्ल्ड. सो वेरी वैलिड पॉइंट रहमान. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट इट बिकॉज देयर इवन जो बच्चे बड़े कन्वेंशनल खानदानों में बड़े हो रहे हैं वहां पे भी ये बात की जाती है. वहां पे भी वो बच्चे जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं यू नो अपने टेक्नोलॉजी और स्कूल से के जरिए के बी ऑल ऑफ दिस इज ओके. सईद वकार हसनैन अहमद, आपका जवाब जो है इज रिलेटेड टू बच्चे क्या गलत करते हैं, ठीक है. एंड वी ट्रेंड अलॉन्ग विद ऑल दिस विली निली विद लेस ऑप्शंस अवेलेबल. यंगर चिल्ड्रन लैक डिसिप्लिन. उनको छोड़ दीजिए व्हाट दे लैक. What can you not talk to them about because you find it difficult because you don't know how to deal with it? That was the sawal. We're after a commercial break. Vapas aati hu. Uske baad stay tuned. All right, then it's almost time for me to go. Let me have a look real quick at jo jawab aate rahe hain. So Sayyid Waqar Hasnain Ahmed saab ka jo, I do understand what he was trying to say. Ke unse kisi bhi cheez ke baare mein, sleeping addiction ke baare mein, raat ko jaagne ke baare mein, खाना बहुत ज़्यादा बाहर से खाने में, सेविंग्स करने में, ये सब बड़ी दिक्कत होती है शायद बात करने में. लेकिन अगेन यू आर वर्डिंग योर जवाब इन सच अ वे, आप अपने जवाब को इस तरह आपने तरतीब दिया है जैसे लग रहा हो उनकी गलती है. अगेन वो पैदा होते ही ऐसा नहीं करना शुरू करते थे, हमने ये माहौल दिया है. और हम कहते हैं ना कि वो एक दूसरे से सीख जाते हैं, तो एक दूसरे से भी जो जितने बच्चे हैं वो सब माँ बाप के ही से ही जने हैं ना. तो वो माँ बाप ने ही ऐसा माहौल क्रिएट किया है और इजाजत दी है. अगर यंगेस्ट पॉसिबल एज से जहाँ बच्चे ज्यादा ओपन टू रिसेप्शन होते हैं वहां ये माहौल एक बैलेंस्ड, ज्यादा बैलेंस कर दिया जाता तो शायद यू नो ये हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा होता. तो अगेन इट इज ऑन अस, द ओनस इज ऑन अस, इट इज नॉट कम्प्लीटली ऑन देम. ऑल्सो उमर इकबाल ने अग्री किया रहमान खिलजी के साथ और कहते हैं कि मॉर्निंग आई अग्री विद रहमान खिलजी कॉमेंट ऑन LGBT पेरेंट लिविंग अब्रॉड फेस दिस क्वाइट ऑफन एज इवन द करिकुलम देयर हैज हैव दिस थिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट है. एंड इट्स नॉट जस्ट अब्रॉड बाय द वे, पाकिस्तान में भी काफी इस चीज की, इस खत्ते में भी, ईस्ट एशिया में भी और साउथ एशिया में भी इसकी अवेयरनेस, इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है. इसलिए हो गई है बिकॉज चिल्ड्रन आर लुकिंग एट एंड लिसनिंग टू थिंग्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वेदर वो पॉडकास्ट है, वीडियोस है, यूट्यूब्स है, यूट्यूब चैनल है, सेलिब्रिटीज है, व्हाटएवर एंड पीपल जिसको कहते हैं ना कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट. तो कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट जो कि जाने माने लोगों ने करना शुरू कर दिया है, तो लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन जो इस चीज को, इसके बारे में रिसेप्टिव हो जाती है कि जो चीज आम होने लगती है वो उसको हम अक्सर क्या करते हैं, कबूल कर लेते हैं ना, अच्छा ये कुछ होगा फिर वाली चीज. एंड देन ऑल्सो इमोशनली क्या कहते हैं, इमोशनली अग्रेसिव तो नहीं मैं इसको कहूंगी बिल्कुल भी, बट हाँ एक कबूलियत आना शुरू होगी यंगर जनरेशन में. सो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. क्यों मैंने ये सवाल पूछा था, कम्युनिकेशन की बात की थी मैंने शुरू में भी कि कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे अहम चीज है जो हमारा दिल, हमारा दिमाग हमारे अपने अंदर भी कर रहा होता है और हम लोगों के साथ भी कर रहे होते हैं. वो आप पॉलिसीज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, कोई यू नो खतों किताबत करें, किसी को मैसेज करें, आप किसी से गुफ्तगू, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन. तो व्हेन लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड कम्युनिकेशन यू हैव टू स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ बात नहीं हो सकती इसके बारे में. इससे रवैया लोगों का बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जनरेशनली भी डिफरेंट होगा, पर्सनालिटी वाइज भी डिफरेंट होगा, पीपल विल बी डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन अंडरमाइन मत किया करें कि थोड़ी सी मेहनत और करके गुफ्तगू करने की कोशिश की जा सकती है. आई थिंक बहुत ज्यादा लोग गुफ्तगू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, इसलिए फिर कह देते, डाल देते हैं दूसरी जनरेशन पे. बड़ों से तो बात ही नहीं की जा सकती, बच्चों से तो बात ही नहीं की जा सकती, कहानी खत्म. की नहीं जा सकती तो फिर मत कहें कि दे आर एक्सेप्ट, दे आर डूइंग थिंग्स और दे आर एंगेजिंग इन थिंग्स व्हिच आर नुकसानदेह फॉर देम ना, फिर नहीं शोर मचाने की जरूरत. इट्स टाइम फॉर मी टू गो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. दिस इज मेरा FM 107.4.